फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ की मुबैना ऑडियो की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा ने कहा, वज़ीर आज़म ऑफिस से ऑडियो लीक हो रही है, पता चलना चाहिए कि इसमें कौन लोग मुलव्वस हैं। वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक होना तश्वीशनाक है, निज़ाम खतरे में है, नतायज भयानक होंगे। हमेशा की तरह ख़ानदानी कारोबार के लिए कवानीन को बालाए ताक रखा गया, हमारे दौर में ये खुद ऑडियो लीक करवाने में मुलव्वस थे। पाकिस्तान की कॉल लीक हो रही थी तो उस वक्त हम ये कह रहे थे कि इन चीजों को बार बार जो है वो इस तहफ़ देखने की जरूरत है, एक इंक्वायरी कमीशन बनाने की जरूरत है जो इन मामलों का जायजा ले। लेकिन उस वक्त ये हुकूमत खुद ऑडियो लीक्स करा के उनको रिलीज करने में मसरूफ थी। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो वज़ीर आज़म का ऑफिस है उससे लीक हो रही है, कॉल लीक हो रही है, ये बहुत ही तश्वीशनाक है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सारा निज़ाम है वो बहुत ही ज्यादा गैर महफूज है और वज़ीर आज़म की कॉल भी इस तरह से लीक हो रही है जो बड़ी अनफॉर्चुनेट। मैं ये समझता हूँ कि अब भी वज़ीर आज़म की ऑडियो की तहकीकात के लिए पूरा जो है वो अमल शुरू। इंटरनेशनल मीडिया पर बोल छा गया, बोल बना हक और सच की आवाज। पाकिस्तान में बोल न्यूज को बंद क्यों किया जा रहा है? इंटरनेशनल मीडिया समेत अमरीकी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस समेत हर प्लेटफॉर्म पर बोल न्यूज के चर्चे। बोल न्यूज की हक और सच की आवाज बंद करने पर सवालात उठाए जाने लगे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर वन पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।